दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड आपने अप्लाई किया था और उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आपको वोटर लिखना है हेल्पलाइन। तो वोटर हेल्पलाइन जैसे लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, वोटर हेल्पलाइन का नाम का एक एप्लीकेशन आता है, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ से आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वोटर रजिस्ट्रेशन का, वोटर सर्विस का, डाउनलोड ई पिक का। यहाँ डाउनलोड ई पिक पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्शन के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, उसका रिजल्ट के बारे में भी। तो अभी ये चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा डाउनलोड हुआ है कि नहीं। इंस्टॉल मैंने कर दिया है, देखिए यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल होता है फिर इसके बारे में आगे की हम जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऐसा इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, लोड ले ले। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आप अगर आप पहले से इसमें वो कर चुके हैं लॉगिन, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड आके लॉगिन कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू यूज़र दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डाल के OTP डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं अपना फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके आगे का स्टेप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर OTP फिल करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप फ़ोन नंबर और OTP डाल के लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका होम का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड EPIC का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एक लिखा हुआ है यस आई हैव EPIC नंबर, यस आई हैव रेफरेंस नंबर, यहाँ पर सर्च बाय डिटेल। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास उसकी, मतलब कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसका अगर आपके पास नंबर है तो उससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपने जब अप्लाई किया था उसका रेफरेंस नंबर मिलता, अगर वो है उससे भी आप निकाल सकते हैं वोटर आईडी कार्ड। अगर वो भी नहीं है तो आप अपना डिटेल भर के भी निकाल सकते हैं। जैसे सर्च बाय डिटेल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेट करना है, जिससे जिस भी स्टेट से हैं आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेता हूँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश लेने के बाद यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे मेरे को तो मोबाइल नंबर ही नहीं पता, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप यहाँ देखिए, वो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा सर्च बाय मोबाइल नंबर, QR कोड, डिटेल और EPIC नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो तीसरा नंबर है इस पर सर्च बाय डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। जैसे कि मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम कुछ भी डाल देंगे, चलिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव का फर्स्ट नेम डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अपने रिलेटिव का किसी का भी, जिसका घर में वोटर आईडी कार्ड हो उसका डाल दीजिएगा, किसी का भी, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं कुमार डाल दिया। उसका लास्ट नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एज अपनी आपको अपनी एज डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट चुन लेना, जैसे मैं उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल के लिए चुन लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैं जैसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। फिर असेंबली कंसल्टी जो भी होगा, आपकी जो असेंबली होगी वो ले लेना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं, अगर होगा जो भी होगा आपका, तो वहाँ से आसानी से आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने यहाँ सारी एग्ज़ाम्पल के तौर पर रॉन्ग डिटेल डाली है, इसलिए नहीं आया। मैं देखिए, मैं अपनी रियल डिटेल डाल के फिर यहाँ पे सर्च करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्वर एरर का ऑप्शन आ रहा है अभी। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर सर्वर एरर दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर एरर दे रहा है। मतलब अभी सर्वर एक्चुअली यहाँ पर इसका चल नहीं रहा है। यहाँ इसके आगे का प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डिटेल है वो आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लिख कर आऊँगा जिसका फुल होगा। जब सर्वर काम करता रहेगा मैं उसकी वीडियो ही बना दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी यानी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।